आज साथियों, मैं आपको वैदिक क्लस्टर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। ये जो कमरा है ना, जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर वैदिक क्लस्टर हुआ हुआ है। इसके कमरे में करीब 5 दिन पहले वैदिक क्लस्टर हुआ था। तो आप अंदर आके इस क्लस्टर को देखेंगे, ये जो दीवार है इसकी, जो इधर वाली दीवार है, ये जो दीवार है, ये दीवार पूरी की पूरी सूख चुकी है। इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा ये व्हाइट कलर का हो चुका है। लेकिन इसी दीवार का एक हिस्सा है ऊपर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अभी आप देख रहे हो, इसमें रंग दिख रहा होगा आपको, ये अभी गीला है। इसी हिसाब से एक ये पूरी की पूरी दीवार है, ये जो सामने दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के अंदर भी एक ये थोड़ा सा पैच जो है, ये गिल्लेपन का भी हमें दिखाई दे रहा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे जो है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा यहां तक जो है ये हमें गिल्ला दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर यहां पे ये सूख गया है और यहां पे फिर थोड़ा सा गिल्ला दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर जो है यहां पे हमें थोड़ा थोड़ा ये गिल्ला दिखाई दे रहा है। ये जो गीलापन है, ये सील है, यही नूरी है। हम क्या करते हैं, मिस्त्री आज आया, अब ये जैसे है हम इसको सोचेंगे तो तैयार है, और मिस्त्री जो है वो भी सोचेगा कि मालिक को भी नहीं पता और मिस्त्री को भी नहीं पता, इसके ऊपर ये वाल पुट्टी या कोई भी कोटिंग कर देंगे। जब वो वाल पुट्टी या कोई भी कोटिंग करेंगे तो ये जो सीलन है ये तो कहीं ना कहीं से निकलेगी, ये जो सीलन है ये कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो ये जो है उस परत को उखाड़ देगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैदिक प्लास्टर मूवी के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके उसको खत्म कर रहा है। इसमें टाइम लगता है, 3-4 महीने भी लग सकते हैं, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 3-4-5-6 महीने कोई इंतजार नहीं करता, पेंट करवा देते हैं, पुट्टी करवा देते हैं, फिर ये कपड़ी बन जाती है और फिर कहते हैं कि वैदिक क्लस्टर में शिकायत है। करने के तरीके में शिकायत है, इस वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम आती है। ये पीछे वाली दीवार आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है, इस दीवार में यहां पे ये थोड़ी सी सीलन है, इस ईंट में 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 सीलन है, यहां पे सीलन नहीं है, ऊपर सीलन नहीं है, सिर्फ इन ईंटों में सीलन है, इन ईंटों के अंदर नमक है, नूनी है। तो ये जो नूनी वाली दीवार है, इसको पहले जो है पूरी तरह से सूखने दें, अच्छे से जब ये सूख जाए तो इसके बाद ही आप इसके ऊपर रेगमार मरवा के और सीधा प्राकृतिक पेंट करवा दें। अगर आप इसके ऊपर वाल पुट्टी करवाएंगे या इसके ऊपर प्लास्टिक पेंट करवाएंगे तो इसके सुराख बंद हो जाएंगे दीवार के, हमें दीवार के सुराख जो है वैदिक प्लास्टर के सुराख जो बंद नहीं करने हैं, क्योंकि अगर इसका सुराख बंद कर देंगे तो जो गाय का गोबर है, जो मिट्टी है, जो जिप्सम है, वो उसके अंदर जो जीवाणु है, सुराख बंद होते ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगे, तो उसका जो ब्रीदिंग इफेक्ट है, उसको जो हवा शुद्ध करने का जो इफेक्ट है वो उसका खत्म हो जाएगा। बार बार मैं एक ही बात समझाता हूं कि पहले दीवार को अच्छे से गीला कर लें, तराई पहले अच्छे से कर लेनी है। अगर आप कम तराई करोगे तो जो दीवार है वो आपके प्लास्टर का जो पानी है, जो पेस्ट बना है, उसके पानी को सोख लेगी और आपके प्लास्टर के अंदर दरारें आएंगी ही आएंगी। पहला स्टेप क्या है, दीवार को अच्छे से गीला कर लेना। दूसरा स्टेप है पेस्ट बनाना। पेस्ट भी हमेशा मीठे पानी में, सॉफ्ट वाटर में ही बनाना है, साल्टी वाटर, नमकीन वाटर नहीं होना चाहिए। अगर नमकीन पानी होगा तो नमक के अंदर जो साल्ट है, कोई मैग्नीशियम का, कोई कैल्शियम का, कोई पोटेशियम का, कोई और किसी का है, वो इसके वैदिक प्लास्टर के अंदर जो साल्ट है उसके साथ रिएक्शन करके और उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए पानी जो है वो मीठा ही होना चाहिए। तीसरा, पेस्ट जो है वो टाइट होना चाहिए, गाढ़ा, जैसे हमारा हलवा होता है उस प्रकार का गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। अगर पतला पेस्ट होगा, पानी जैसा पेस्ट होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कई साथी क्या करते हैं कि सिर्फ जो है ना पतला पतला पेस्ट बना लिया और ब्रश से मार लिया, ये रंग नहीं है, ये प्लास्टर है, और प्लास्टर का पेस्ट जितना गाढ़ा होगा उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ आएगी, उतना ही उसका बढ़िया रहेगा। चौथा, थिकनेस जो है, कई 1-2 mm, 5 mm, 7 mm जो डाल लेते हैं, थिकनेस भी इसकी 10-12 mm होनी ही चाहिए। अगर उससे कम करते हो तो जो ये इसके इफेक्ट है वो कम आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कहीं पे नूनी है तो उस नूनी को करवा के इस प्रकार से हमें छोड़ देना है। कई साथी ये सोचते हैं कि पता नहीं मिस्त्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके वो जल्दी, जैसे आज ही मिस्त्री आए, कल ये वैदिक प्लास्टर करवाया, आज इसके ऊपर वो करवा लिया,
आपको बॉल पुट्टी करवानी करवा लीजिए, आपको अच्छा दिखाना है, ब्रेदिंग इफेक्ट नहीं लेना है, कोई बात नहीं, करवा लीजिए, इसको हो जाता है। लेकिन इसको कम से कम सूखने तो दो, इसकी जो है जो ये नमक के साथ जो रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन को करने दो, उसके बाद जो है आप ये करवाओ। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था। कई लोग जो है दो चार जगह से दिक्कत आई है कि वैदिक प्लास्टर के अंदर जो कह रहे कि पपड़ी बन गया, वैदिक प्लास्टर जड़ गया। वो वैदिक प्लास्टर जड़ने का कारण यही है कि इनमें से कोई ना कोई एक कारण मिलेगा, या तो दीवार की तराई अच्छे से नहीं हुई होगी पहले, या मीठा पानी नहीं हुआ होगा, या फिर उसके बाद पेस्ट टाइट नहीं होगी, या फिर चौथा जो है इस प्रकार से जैसे ये है, ये अभी इसके ऊपर अगर आप आज कर दोगे वाला पुट्टी या पेंट इसके ऊपर कोई भी कर दोगे तो इसमें से जो मॉइस्चर है जो वो नहीं निकलेगी, नमक है वो नहीं निकलेगा और फिर ये जड़ेगा ही जड़ेगा। तो इन बातों का खास ध्यान रखें। धन्यवाद।